अयोध्या के प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित कल्की राम बताते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत 28 सितंबर से हो रही है, जो 14 अक्टूबर तक चलेगी। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। पितृपक्ष में कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिसका पालन करने से पितृ जल्द प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में खासकर खाने पीने जैसी चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सब्जियों से करें परहेज। पितृपक्ष के दौरान ये सब्जियां, जिसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, सूरन, इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगना चाहिए और न ही पितृपक्ष के श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पूर्वज इससे नाराज हो सकते हैं। लहसुन प्याज वर्जित। पितृपक्ष में लहसुन प्याज का सेवन करने की मनाही रहता है, इसे तामसिक माना जाता है। पितृपक्ष के समय पूरी तरह से सादगी से रहना चाहिए। दोस्तों, यदि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक